पहले आपको अब हम दक्षिण भारत की ओर भी लिए चलते हैं, जहां आज बीजेपी चुनाव प्रचार में जोर शोर से लगी हुई है। पुद्दुचेरी पहुंचे हुए हैं गृहमंत्री अमित शाह ने प्रचार से पहले पुद्दुचेरी के कुरुवादी कुप्पम में श्री सिद्धांत मंदिर में पूजा अर्चना की। ये तस्वीरें उसी समय की जब गृहमंत्री पहुंचे हुए थे पुद्दुचेरी के इस मंदिर में, पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं आपको। और राजनीति में चुनाव से पहले इस संकेत की बहुत अहमियत होती है। हालांकि ममता बनर्जी वहां पश्चिम बंगाल में मंदिर पहुंच रही हैं, नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान वो कई मंदिरों में गई, खुद गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे, कल राहुल गांधी असम के कामाख्या मंदिर में पहुंचे। तो चुनाव से पहले नेताओं का मंदिर पहुंचने का ये जो सिलसिला है कहीं ना कहीं बहुत कुछ दर्शाता है। तस्वीरें हम आपको पुदुचेरी से दिखा रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं, लेकिन उससे पहले मंदिर में पहुंचे, पूजा अर्चना उन्होंने की और आप देख सकते हैं ढोल नगाड़े, संगीत भी आप सुन सकते हैं। और दिबांग भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिबांग, हम पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम सीट की बात कर रहे हैं, तमाम पश्चिम बंगाल के जो मतदान आज दूसरे चरण का हो रहा है उस पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। असम में भी मतदान चल रहा है। इस बीच गृहमंत्री पुद्दुचेरी पहुंच गए और मुझे लगता है पुद्दुचेरी सुरक्षित है, यहां से बीजेपी की जीत तय है, क्योंकि कांग्रेस में जो टूट हुई है इन चुनावों से पहले वो अहमियत रखती है। जी हाँ, बिल्कुल, ये बिल्कुल सुरक्षित माना जा रहा है। और अगर आप देखें जितने भी ओपिनियन पोल्स आए हैं वो भी इसी तरफ इशारा करते हैं कि सुरक्षित सीट है। लेकिन ये बहुत रोचक है, ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, एक तरीके से हमारी जो राजनीति है उसका बीजेपीकरण मैं इसको कहूँगा कि अब सब लोग जाने लगे हैं मंदिर। यानी पहले इतने खुल्लम खुल्ला और इतने मंदिरों को ढूंढ ढूंढ के नहीं निकाला जाता था, लेकिन अब किसी भी पार्टी के नेता को देख लीजिए वो मंदिर जाते हुए आपको दिखाई देंगे। और ये एक नए किस्म की राजनीति है, मैं देख रहा हूँ कवरेज में भी नई किस्म की कवरेज है। जब हम कवर किया करते थे तो नेताओं के इस तरह से इंटरव्यू नहीं लिया करते थे, लेकिन अब नेताओं के इंटरव्यू भी चुनाव जब वोटिंग हो रही है तब वो चलते हैं। तो ये एक सारी बदलाव की चीज़ें हैं। मैं अच्छा बुरा नहीं कह रहा हूँ, पर ये बदलाव कह रहा हूँ कि पुराने पुराने मंदिरों को, बल्कि बीजेपी की तो पूरी योजना रही पश्चिम बंगाल में कि बहुत पुराने मंदिर जितने ढूंढे जाएँ और सबसे पहले बीजेपी के नेता वहाँ जाते हैं, ये एक बदलाव है चुनाव में। चुनाव जी, ये नारे भी सुन लेते हैं, फिर मैं उसके बाद प्रदीप जी का रुख करूँगी। Oh!
प्रदीप जी, जैसा कि दिबांग ने कहा कि राजनीति का मंदिरीकरण हो चुका है, और कहीं ना कहीं मैं भी इससे सहमत हूँ कि हर पार्टी का नेता मंदिर पहुंच रहा है। ये तस्वीरें हमें कुछ साल पहले नहीं मिलती थी इस तरह, एन चुनाव से पहले। ये नयापन है राजनीति का, चुनावों का। थोड़ा असहमत हूँ हाँ। इसलिए कि देखिए, भारतीय समाज में धर्म और जाति ये दो चीजें हैं जिनका बड़ा महत्व है, और इन प्रतीकों का भी महत्व है सार्वजनिक जीवन में। पहले भी नेता मंदिर जाते रहे हैं, अब जिस तरह से कवरेज होने लगा है, दिखाया जाने लगा है, वो पहले नहीं होता था। पहले टीवी नहीं था, जब टीवी आया तो इस तरह से कवरेज दिखाया नहीं जाता था। एक भले ही मेंशन कर दिया जाए कि वहाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे, इस तरह से लाइव तस्वीरें, ये एक परिवर्तन है। बीजेपी अपने एजेंडे पर बाकी पार्टियों को ले आई है। बीजेपी के नेता पहले भी जाते रहे हैं, अब दूसरी पार्टियों के भी नेता जाने लगे। या ये कहिए पश्चिम बंगाल में हम जो देख रहे हैं, प्रदीप जी, अब हम उस चश्मे से देखने लगे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के नेता ही मंदिर जाते हैं। मंदिर तो पहले दूसरी पार्टियों के नेता भी जाते रहे होंगे, पूजा अर्चना वो भी करते रहे होंगे। तो जो कवरेज का फॉर्मूला आप बात कर रहे हैं, जितना वो बीजेपी पे एप्लीकेबल है, उतना ही दूसरी पार्टियों पे भी है। तो कहीं ना कहीं शायद मैं आपसे इस बात पर सहमत नहीं हूं कि अब बीजेपी की पिच पर आकर दूसरी पार्टियों के नेता भी खेलने लगे हैं। हाँ, क्योंकि अब ये कवरेज होने लगी है, लाइव कवरेज। तो जितने बीजेपी के नेता मंदिर जाते हुए दिख रहे हैं, उतने विपक्षी दलों के नेता भी दिखाई दे रहे हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।